ब्रेक के बाद खुश आमदीद खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास, बहावलपुर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले अरकीन की शिरकत, बहावलपुर डिवीज़न की तरक्की मंसूबों और मसाइल पर गौर किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आकिब तनवीर से। जी आकिब, बताइए इस इजलास के बारे में किन किन अमूर पर बातचीत की गई? बात की जाए इजलास की, जो कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार है उनकी ज़ेर सदारत हुआ है, तो इसमें बहावलपुर डिवीज़न जो है और अवाम के जो मसाइल थे उस हवाले से इस पे तबादला ख्याल भी किया गया और जो तजावीज़ थी वो भी दी गई है। इस मौके पर सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि एक माह के अंदर पाकिस्तान को इसके असल मंजिल की तरफ रवा दवा कर दिया गया है और पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल है उसको हल भी करेंगे, नए पाकिस्तान में सियासतदान और अफसर अवाम की खिदमत भी करेंगे और पाकिस्तान में जो तमाम फैसले हैं वो मेरिट पर कफायतशुरी और शफाफियत की पॉलिसी को अपनाया गया है, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है उसके ऊपर भी अमल दरामद किया जा रहा है और पंजाब में मेरिट से हटकर कोई भी काम नहीं किया जाएगा और 100 रोज का जो प्लान है उसके अंदर अंदर अवाम को एक बदला हुआ नया पाकिस्तान जो है वो भी मिलेगा और जो पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी है उसके ऊपर भी उसकी तजावीज पे भी गौर किया गया है, जिसमें जो कि उसकी जो सिफारशात थी वो आखिरी मरहल में पहुंच चुकी है और इस मौके पर उस्मान बुज़दार का यह भी कहना था कि नए पाकिस्तान में अवाम और पुलिस के दरमियान जो दूरी है उसको भी खत्म किया जाएगा और पुलिस जो है उसको डिपोलिटिसाइज किया जाएगा, सियासत को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा पुलिस के अंदर से। इजलास में वज़ीर आला ने इरकान असेंबली की सिफारशात और मसाइल सुनकर मौके पर जो अमल दरामद के अहकाम हैं वो भी जारी किए हैं। जी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास के हवाले से आकिब तनवीर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।